अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी में सही और गलत का निर्णय सिर्फ हमारे दिमाग पर नहीं, हमारी हेल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन पर भी डिपेंड करता है, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का क्या रोल है हमारे शरीर में। ये ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे और एक्यूप्रेशर के 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम स्मॉल इंटेस्टाइन की कैपेसिटी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकेंगे। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पाचन तंत्र का एक अंग है। आपको एक इमेज में दिखा रही हूँ। जब हमारा फूड स्टमक में पहुंच जाता है, उसके बाद जो हमारा फूड है वो जिस ट्यूब में जाता है, उस ट्यूब को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो आपको ये इमेज देख के क्लियर हो गया होगा। और ये बहुत लंबी होती है, करीबन 6 से 7 मीटर लंबी होती है। और इसके 3 पार्ट होते हैं। जो पार्ट स्टार्ट स्टमक से जुड़ रहा है उसको हम ड्यूओडेनम कहते हैं, बीच वाला पार्ट जेजुनम कहलाता है, और जो फाइनली जिस जगह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रही होती है उसको हम इलियम पार्ट कहते हैं। तो ये तो हुआ पूरा स्ट्रक्चर। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी विड्थ, क्योंकि ये ट्यूब की तरह है तो इसकी विड्थ होती है अराउंड 2.5 से 3 सेंटीमीटर, राइट। अब अगर किसी की इंटेस्टाइन का जो विड्थ है, डायमीटर है, वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ी हो गई है, तो उसको हम एक एबनॉर्मल सिचुएशन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानने के बाद अब नेक्स्ट हम ये जाने कि इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करती है। तो जैसा आपने अभी फिगर में देखा था कि स्टमक के बाद हमारा जो पाचन तंत्र है वो आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में बदल रहा है। तो जो डाइजेस्टेड फूड था या जो चाइम हमारे पेट में बन गया था वो अब आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हुआ कि उसने स्टमक से फूड और फ्लूइड को रिसीव किया, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन प्योर को इम्प्योर से अलग करती है। मतलब कि जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, जो यूजफुल चीजें हैं, उनको वो इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और वो ब्लड के साथ मिलकर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, राइट। हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब जो इम्प्योर बचा, अनडाइजेस्टेड फूड था, वो चला जाता है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो फूड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर हो गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कंट्रोलर, किस चीज की, रिसेप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेपरेशन। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कहा जाता है कि ये हाईली रीजनरेटिव है, मतलब कि ये अपने आप को खुद हील करती है। 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है वो पूरी नई हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्योर को इम्प्योर से अलग करने का काम ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी करती है। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम में जो हमारी तेज रफ्तार की जिंदगी है, इसमें बहुत सारी चीजें हमारे अंदर फीड हो रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही हैं, 24/7 अलग अलग चीजें हमारे को फीड हो रही हैं। अब उनमें से सॉर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हम एक क्लियरिटी ला पाए अपनी लाइफ में। तो जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्दी होती है तो वो क्लियरिटी लाती है हमारे डिसीजंस में, हमें एक पावर देती है बेकार चीजों को और अच्छी चीजों को सेपरेट करने की। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूप्रेशर की मदद से कैसे हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्दी बना सकते हैं ताकि वो अपने सारे फंक्शंस को प्रॉपरली कर सके। तो कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं, SI4, SI5 और SI11। इन तीनों की लोकेशन मैं आपको अपने हाथों में दिखा रही हूँ क्योंकि जो मेन मरीडियन के पॉइंट्स हैं
उन पर आपके लिए प्रेशर देना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो जो दो पॉइंट हैं SI4 और SI5, ये हमारे इंडेक्स फिंगर पर मिलेंगे टुवार्ड्स मिडल फिंगर। जो ये ऊपर वाला जॉइंट है वहीं पर, ये देखिए दो पॉइंट्स हैं पास पास, और जो तीसरा पॉइंट है SI11, वो हमें पीछे की तरफ जाने पर मिलेगा, जहां मैंने ये ब्लैक डॉट लगा दिया है। आपको ब्योल चार्ट पे भी मैं इसका लोकेशन दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स पर प्रेशर देना है इस तरह से, और यहाँ पर तीनों पर एक एक मेथी दाना अप्लाई कर देना है। हम इस तरह से एक एक मेथी दाने को टेप पर लगा लेंगे और इन तीनों ही पॉइंट्स पर मेथी दाना अप्लाई कर देंगे। आप ये ट्रीटमेंट रात को लगाकर सो जाइए और सुबह इसको हटा दीजिए। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जब हम इन पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट लगाएंगे तो जो भी SI की स्मॉल इंटेस्टाइन की क्वालिटीज हैं, कि इम्प्योर से प्योर को अलग करना, एक क्लियरिटी लाना, किसी चीज के लिए डिसीजन लेना, या फिर कोई केओस कुछ लोगों के दिमाग में इंटरनली चलता रहता है, उन सब से एक क्लियरिटी देना। सेम इसी तरह से फिजिकल लेवल पर जो SI का फंक्शन है वो उसको प्रॉपर करना शुरू कर देगी। आज हमने एक ऑर्गन के बारे में बात की है, इसी तरह से डिवाइन केयर की जो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बुक्स हैं उसमें ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट ब्योल मैग्नेट की हेल्प से। देखिए इस तरह से आपको सिर्फ इमेज को देख के ट्रीटमेंट्स लगाने हैं, और उसको एक्सप्लेन किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सिर्फ एक एक दो दो लाइन है। आपके लिए डे टू डे लाइफ की 400 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन का एक अलग ही फंक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी लाइफ में। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है अपने इस ऑर्गन की हेल्थ पर पूरा ध्यान दें। अगर ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाइए और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।